करंट बायोलॉजी में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना संक्रमण महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक गंभीर क्यों होता है। दुनिया में जैसे जैसे इस वायरस से संबंधित खोज जारी हैं, नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और उनमें अलग अलग डाटा के आधार पर ये तथ्य सामने निकल कर आया है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो मनुष्य जो आदमी हैं पुरुष हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है इन कंपेरिजन टू वोमेन, यानी कि स्त्रियों को ये कम प्रभावित करता है। हालांकि इसके कारण क्या हैं इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को सटीक ज्ञान नहीं हो पाया है, इस पर आगे रिसर्चें जारी हैं, लेकिन इनमें जो कुछ अभी नए तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से कुछ नए अनुमान लगाए जा रहे हैं और आइए इनके तथ्यों पर पहले नज़र डालते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी में 5,700 कोविड 19 पेशेंटों में यह देखा गया कि इनमें जो मरीजों की संख्या थी उनमें 60% यानी 60% से ऊपर का संक्रमण वो पुरुषों में था, जबकि महिलाओं में 40% से कम संक्रमण था। यानी कि जो सैंपल लिए गए थे रैंडम सैंपल 5,700 केसेस के, उनमें से 60% से ऊपर पुरुष थे और 40% से कम महिलाएं थीं। तो इससे भी ये एक अनुमान हुआ कि कोरोना का जो संक्रमण है वो पुरुषों में ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू वोमेन। दूसरा ये देखा गया कि न्यूयॉर्क में ही जो क्रिटिकली इल थे यानी कि जो गंभीर रूप से बीमार थे ऐसे 373 पेशेंट पर स्टडी की गई और इनमें देखा गया कि जो क्रिटिकली इल थे यानी कि आईसीयू में थे और जिनकी डेथ हुई थी उनमें 66.5% से ज़्यादा पुरुष थे और 33.5% के आसपास महिलाएं थीं, यानी डेथ रेट भी पुरुषों की ज़्यादा थी और लगभग दुगनी थी, क्योंकि 66.5% ये पुरुषों की मृत्यु दर थी जबकि 33.5% वो महिलाओं की थी, लगभग दुगनी थी पुरुषों में मृत्यु दर। तो इससे भी ये अनुमान लगाया गया कि पुरुषों में यह बीमारी ज़्यादा घातक होती है महिलाओं की तुलना में। एक दूसरी जो स्टडी हुई इसको लेके वो अपने देश भारत की है और जिसमें यह देखा गया कुल 68 मुंबई के इलाके में कुछ एक बस्ती के 68 ऐसे जो कोविड 19 से संक्रमित थे उनमें उनका स्टडी किया गया और देखा गया कि इनमें संक्रमण के समाप्त होने में कितना समय लग रहा है। तो उनके जो अलग अलग स्टेप पर सैंपल लिए गए और हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब भी संक्रमण होता है तो एक निश्चित इंटरवल पर उनके बराबर सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच होती है। जब तक लगातार दो ऐसे सैंपल निगेटिव नहीं आ जाते तब तक मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। तो उनमें देखा गया कि जो बॉडी से वायरस के क्लीनिंग करने की दर थी वो एवरेज महिलाओं में 4 दिन थी जबकि पुरुषों में यह 6 दिन थी। मतलब औसत जो निकाला गया सभी में, किसी में थोड़ा ज़्यादा था किसी में कम था, तो महिलाओं का जो औसत निकला वो 4 दिन में वो शरीर से वायरस को क्लियर हो जाते थे, उनसे साफ हो जाता था और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती थी, जबकि पुरुषों में एवरेज 6 दिन का था। तो इससे भी एक एवरेज ये निकला कि पुरुषों में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ये वायरस इन कंपेरिजन टू वोमेन। और फिर ये जो सैम्पलिंग थी वो कुछ दूसरे इलाकों में ही मुंबई के, वहाँ भी स्टडी की गई और वहाँ पर भी इसी के तरीके के रिजल्ट मिले। तो इन स्टडी से ये बात कन्फर्म हो गई थी कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो पुरुषों में ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ज़्यादा गंभीर हो रहा है और उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है महिलाओं की तुलना में। अब इसके कारण पर जो वैज्ञानिकों का ध्यान, जो अभी तक की फाइंडिंग हुए, जो अभी तक के तथ्य मिले हैं उनमें कुछ कारण जो नज़र आए हैं आइए उन पर नज़र डालते हैं। तो पहला जो कारण है वो है कि मेल और फीमेल दोनों में जो सेक्स हार्मोन हैं इनमें अंतर के कारण ये हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में एक स्टडी की गई चूहों पर और उनमें ये देखा गया कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं इनका जो असर है वो मेल रैट्स पर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल रैट।
और इसमें ये देखा गया कि जब चूहों के एक पॉपुलेशन को ऐसे वायरसों से संक्रमित कराया जाता है तो उनमें जो मेल रैट हैं उनमें मृत्यु दर ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। लेकिन जब फीमेल से उनका ओवरी सर्जरी के द्वारा निकाल दिया जाता है तो ओवरी न होने के कारण उनमें जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन वो नहीं बन पाता और फिर उनकी भी मृत्यु दर जो है वो मेल के जैसी हो जाती है या मेल से कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इससे एक ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो पुरुषों में कोविड 19 का असर ज़्यादा है उसके पीछे जो सेक्स हार्मोन है वो कारण हो सकता है, क्योंकि दोनों सेक्सेज में अलग अलग तरीके के सेक्स हार्मोन की प्रधानता होती है, इस वजह से एक कारण ये हो सकता है। हालांकि इस पर और आगे रिसर्चें जारी हैं। दूसरा एक कारण जो दूसरा जो तथ्य प्रकाश में आया है वो ये है कि चूँकि महिलाओं में जो एक्स क्रोमोसोम है वो दो होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स है वो महिलाओं में एक जोड़ा होता है जबकि पुरुषों में हम जानते हैं कि यह सिंगल होता है। और ऐसा पाया गया कि जो इम्यूनिटी से खासकर जो सांस से संबंधित इम्यून सिस्टम होता है या सांस से होने वाली बीमारियों के प्रति जो हमारा इम्यून प्रतिक्रिया होता है उससे संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से चूँकि महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होता है तो उनमें जो श्वसन से संबंधित इम्यून रिलेटेड जीन्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं और उनका इनसे संबंधित इम्यून जो है वो मजबूत होता है पुरुषों की तुलना में, इसलिए भी वो कम इफेक्टेड होती हैं इस बीमारी से। तो एक कारण एक्स क्रोमोसोम का है जिन पर इम्यून से रिलेटेड जीन ज़्यादा होते हैं, और चूँकि महिलाओं में ये दो कापी में होता है जो कि उन्हें इम्यूनिटी की दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनाता है पुरुषों की तुलना में, और ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी कम प्रभावित कर रही है। एक तीसरा एंगल भी है इसमें, और वो है कि चूँकि जो कोविड 19 वायरस है इसका जो रिसेप्टर कोशिकाओं में होता है वो है ACE2 रिसेप्टर्स, यानी कि ACE2 रिसेप्टर्स एक प्रकार का रिसेप्टर्स है जहाँ पर जाके ये वायरस जुड़ता है, और जिन कोशिकाओं में यह रिसेप्टर होता है केवल उसी में यह प्रवेश कर पाता है। अगर ACE2 रिसेप्टर सेल्स में नहीं है तो वहाँ उन कोशिकाओं में यह वायरस उनमें इंटर नहीं कर पाता, उनके अंदर नहीं प्रवेश कर पाता और उनको संक्रमित नहीं कर पाता है। इस बारे में थोड़ा हम और क्लियर कर दें कि चूँकि वायरस जो है वो तभी सक्रिय होता है जब वो हमारे कोशिका के अंदर पहुंचकर हमारे केंद्रक के अंदर पहुंचता है और वहाँ फिर हमारी जो जेनेटिक मशीनरी है उसको अपने कब्जे में लेता है। तो जब तक ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि अपनी इसकी अपनी कोशिका की कोई मशीनरी नहीं है, इसका जो पूरा रिप्लिकेशन है वो कोशिका के ज़्यादातर एंजाइम की सहायता से होता है, और स्वयं इसकी प्रोटीन वो कोशिका के राइबोसोम से बनती है, जो हमारी सेल्स होती हैं उसी के राइबोसोम से बनती है। तो जब तक यह कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये इफेक्ट नहीं कर पाता, और यह प्रवेश तभी कर पाता है जब यह ACE2 रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है, यानी कि जो ये ACE2 रिसेप्टर है इससे जुड़ता है तभी यह प्रवेश कर पाता है। तो एक स्टडी में यह पाया गया कि जो ह्यूमन जो मेल का टेस्टिस है उनमें बाकी सेल्स की तुलना में ACE2 रिसेप्टर्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ACE2 रिसेप्टर्स काफ़ी एक्सप्रेस होते हैं, तो वहाँ पर ये जो है वो जाके अपने आप को छिपा लेता है, वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है और इसलिए भी इसको बॉडी से क्लीन होने में ज़्यादा समय लगता है। जबकि जो वोमेन हैं उनकी ओवरीज में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल नथिंग होते हैं या ना के बराबर होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर इसे छिपने की कोई जगह नहीं होती, और ये भी एक कारण है कि महिलाओं में जो वायरस है उसका लोड कम हो पाता है और वो आसानी से क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है बॉडी से, जबकि पुरुषों में जो टेस्टिस है उनमें ACE2 रिसेप्टर्स की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ पर ये ज़्यादा समय तक बना रहता है और क्लियर होने में ज़्यादा कोशिकाओं को भी ये संक्रमित करता है, संख्या भी बढ़ाता है और क्लियर होने में भी ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो तीन कारण हैं, एक तो एक्स क्रोमोसोम, दूसरा जो सेक्स हार्मोन है, और तीसरा ACE2 रिसेप्टर्स वो मेल के कुछ अंगों में अधिक होते हैं, इस वजह से भी
ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं महिलाओं की तुलना में। हालांकि इनमें और कंफर्मेशन रिसर्चेज आगे जारी हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ इसके बारे में और ज्ञान की वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग इस बीमारी को कंट्रोल करने में ज़्यादा सफल होंगे। तो आज के जो इस वीडियो में इतना ही, इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।